इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के मामलों ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आगर से कांग्रेस विधायक और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े गुरुवार दोपहर यूनिवर्सिटी पहुंचे और परीक्षाओं की ऑनलाइन या ओपन बुक मोड में कराने की मांग की। इधर यूनिवर्सिटी ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं आगे बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी ने तय किया कि जो परीक्षा 1 अप्रैल को होनी थी अब वो 7 अप्रैल से शुरू होगी। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर डीएवीवी स्नातकोत्तर परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराने की तैयारी में है। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर छात्र संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन से मिलकर उन्होंने परीक्षा का मोड ऑफलाइन से बदलकर ऑनलाइन या ओपन बुक कराने की मांग की। बता दें कि एनएसयूआई की जिला इकाई के नेता लगातार इसे लेकर आंदोलन चलाए हुए हैं। विपिन वानखेड़े ने पहले यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा और फिर कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं नहीं कराने की मांग की। मैं करूंगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता हो कि विश्वविद्यालय बहुत अच्छे से सुख शांति से सब आपकी वजह से चलता है तो एक बार कर देख लेते हैं 2-4 महीने का एक्सपेरिमेंट। मैंने कभी नहीं कहा मैडम, 1.5 साल में मैंने तो कदम भी नहीं रखा है। दस आंदोलन मैडम कुछ भी नहीं, रोज आंदोलन होते थे यहाँ पर। चर्चा के दौरान जब कुलपति ने स्पष्ट किया कि ऑफलाइन परीक्षा कराने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग के हैं, ऐसे में जो भी निर्देश राज्य शासन की ओर से आएंगे यूनिवर्सिटी को उन निर्देशों का पालन करना होगा। इस पर विपिन वानखेड़े ने उच्च शिक्षा मंत्री और विभाग के आला अधिकारियों से भोपाल में चर्चा करने की बात कही। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए विपिन वानखेड़े ने कहा कि कोरोना के बढ़ते कहर और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो ऑनलाइन या ओपन बुक मोड में परीक्षा कराना चाह रहे हैं और इसी मांग को लेकर वे यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। देखिए, जिस विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार खुद कोरोना से ग्रसित हैं, वो विश्वविद्यालय बच्चों को कोरोना काल में परीक्षा कराने की बात कर रहा है, ये निंदनीय है। हमारी मांग थी मध्य प्रदेश सरकार से, उच्च शिक्षा विभाग से हमारी मांग है कि जो परीक्षाएं कराई जा रही है परीक्षाओं को ऑनलाइन कराया जाए, ऑफलाइन परीक्षा बंद की जाए। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर कोई परीक्षा हो ये हमारे देश के भविष्य के लिए ठीक बात नहीं है, सही निर्णय नहीं है। इसी के संदर्भ में आज विश्वविद्यालय में लगभग इंदौर के सभी कॉलेजेस के छात्र प्रदर्शन करने के लिए आए थे। एनएसयूआई ने अपना समर्थन उन्हें दिया है और विश्वविद्यालय ने हमारी मांग स्वीकार करके फिलहाल परीक्षाओं को आगामी 7 अप्रैल तक के स्थगित किया। एनएसयूआई द्वारा सिटी कैंपस में अलग अलग आंदोलन चलाने को लेकर उन्होंने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। कांग्रेस और एनएसयूआई में कहीं गुटबाजी की कोई स्थिति नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय फिलहाल 50 प्रदर्शन हो रहे हैं, इंदौर में अलग हो रहे हैं, देवास में अलग हो रहे हैं, भोपाल में अलग हो रहे हैं और हर एक युवा नेता, हर एक छात्र नेता छात्रों के साथ खड़ा है और पूरी कांग्रेस पार्टी एक, कहीं कोई दो गुट नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ है, एकजुट है, एक जाजम पे है और सभी लोग अभी विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ हमारे जावेद भाई का भूख हड़ताल खुलवाने के लिए जाएंगे। उधर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ा दी गई, लेकिन मोड बदलने को लेकर अंतिम फैसला राज्य शासन का ही है। जैसे भी निर्देश उन्हें राज्य शासन की ओर से मिलेंगे उसका पालन किया जाएगा। इनकी मांग तो थी कि चेंज करो, इनकी सबकी मांग थी क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही हैं जो, कुछ बच्चों का तो ये कहना था उन्होंने किताबें भी नहीं खरीदी हैं, तो इसमें तो वही जिम्मेदार है उसके लिए। तो बहुत से जो यहाँ पर जितने बच्चे आए थे उनकी तो मांग थी कि ओपन बुक एग्जाम हो, पर ऐसा नहीं है। बहुत से प्रिंसिपल्स के हमारे पास फोन आए, वो कह रहे थे ऑफलाइन एग्जाम बहुत अच्छा है। तो ऐसे जो जो बच्चे पढ़ने वाले वो तो यहाँ पर आए नहीं, जिनको थोड़ा सा नहीं पढ़ पाए होंगे, जो भी परेशानियाँ रही होंगी वो बच्चे ही यहाँ पर आए हुए थे ज़्यादातर। तो हमने मोड बदलने का कोई निर्णय नहीं लिया, मोड बदलने का, मोड डिसाइड करने का निर्णय शासन को लेना है, हमने सिर्फ थोड़ा सा समय देने के लिए आगे बढ़ाया। नहीं, कोई हॉट टॉक नहीं हुई, वो लिख रहे थे कि कॉपी तो जब मैं गई थी तब मैंने कहा कि टाइम बढ़ा दिया है, बोले आप ये लिख कर दे दीजिए, तो हमने कहा लिख कर क्या देंगे, जब नया टाइम टेबल आएगा वो दे देंगे, अब 100 बच्चे बैठे हो तो 100 कॉपी थोड़ी देंगे हम, तो बस ऐसा था। लेकिन जो बढ़ाया था वो जब अपलोड हो गया उसके बाद उसकी कॉपी जो विधायक महोदय आए थे उनके हाथ में दी थी।
बता दें डीएवीवी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन इन्हें बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दिया गया। वहीं प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 6 अप्रैल से ही शुरू होंगी। कुलपति ने ये भी कहा, राज्य शासन के निर्देशों के मुताबिक ऑफलाइन मोड में हो रही इन परीक्षाओं के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। वो फैसला तो विधायक महोदय के आने के पहले भी ले लिया था हम लोगों ने, क्योंकि कुछ तो थोड़ी वास्तव में अभी शासन की गाइडलाइंस नहीं आई हैं, तो समय कम ही था और कोई कुछ की ये मांग भी थी कि 31 तारीख को भी कोई एग्ज़ाम है तो इसलिए, और होली का त्यौहार भी है, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा ही ठीक रहेगा। शायद बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में भी डेट बढ़ गई है तो हमने भी सोचा थोड़ी सी हम डेट बढ़ा देंगे तो कोई नुकसान नहीं, तब तक गाइडलाइंस मिल जाएंगी। क्या फैसला लिया, तब तक डेट बढ़ाई गई है? डेट हमने तो 6 तारीख को बढ़ाने का लिया था, पर जब हमने टाइम टेबल देखा तो 7 तारीख से कर दिए गए हैं। अच्छा। जो उनका नेक्स्ट पेपर था उस दिन से कर दिए गए। बता दें कि यूनिवर्सिटी बीए, बीकॉम और बीएससी सहित अन्य यूजी कोर्सेज की फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर की परीक्षा अप्रैल से मई के बीच ऑफलाइन होगी। इनमें 2.25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 130 से ज्यादा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं।